जहाँ श्री जाजपाल सिंह सैनी, आपका पार्टी का टाइम 6 मिनट, 6 मिनट में खत्म करना है, समाप्त करना है। हाँ, ठीक है, सबके लिए एक ही नियम। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उससे मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है, ये सच भी है, लेकिन एक दूसरी भावना भी है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। हम केवल उत्पादन की चिंता करते हैं, लेकिन उत्पादन करने वालों के बारे में हम नहीं सोचते। जब देश आज़ाद हुआ था, तब किसान महोदय गर्व से कहता था कि मैं किसान हूँ। इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आज किसान को शर्म आती है ये कहने में कि मैं किसान हूँ, क्योंकि उसकी इज्जत समाज में नहीं रही है। मान्यवर, उस टाइम किसान अपने बच्चों को पढ़ाकर खेती में ही लगाता था, और ये कहावत भी थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, लेकिन आज ये बिल्कुल उसका उल्टा रहा है। किसान अपने बच्चों को पढ़ाकर चाहे जैसे भी हो उनको वो नौकरी दिलाने की कोशिश करता है और बाहर निकालने का काम की सोचता है। महोदय, सन 1951 में भारत में 71% किसान थे, लेकिन सन 2011 की कृषि जनगणना के मुताबिक किसानों की संख्या घटकर 45.01% बची है। हमारे किसान 26.09% गायब हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि किसानों का मोह खेती से भंग हो रहा है और वे कृषि में पिछड़ रहे हैं। जिसका दादा कभी 100 एकड़ जमीन बोता था, 50 एकड़ बोता था, उसका पोता आज सीमांत किसान बन गया है या मजदूरी करने को मजबूर है। दूसरी ओर उस समय जिसके पास छोटे छोटा उद्योग था, वह आज बड़ा उद्योगपति, अरबपति, खरबपति बन चुका है। महोदय, व्यापार घोड़े की चाल चल रहा है और कृषि कछुए की चाल से चल रही है। महोदय, आज किसान की दयनीय स्थिति है। उसकी स्थिति को वे लोग नहीं जानते जो उसके द्वारा तैयार की गई उपज का भाव तय करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि किसान कितनी परेशानी उठाकर अपने पूरे परिवार को लगाकर अपनी फसल तैयार करता है, कितनी कड़ी मेहनत उसको अपने परिवार के साथ करनी पड़ती है। कड़ाके की सर्दी में जब रात को 2 बजे बिजली आती है, तब उठकर अंधेरी रात में अपने बच्चों के साथ जंगल में जाकर अपनी ट्यूबवेल चलाता है तथा सिंचाई का करने का काम करता है। जो लोग उसकी फसल का भाव तय करते हैं, उनको यह भी नहीं पता कि 1 एकड़ में कितना बीज, कितना खाद, कितनी बार जुताई, कितनी बार निराई करनी पड़ती है। जब तक किसान की फसल का भाव टाई लगाकर एसी के रूम में बैठकर होता रहेगा, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। किसान का भला तब होगा जब उसकी फसल का लाभकारी मूल्य तय करते समय धोती वाला किसान उनके बीच में बैठेगा, जिसको ये पता है कि कितनी लागत और कितनी मेहनत किसानों को करनी पड़ती है। महोदय, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि किसान का 2022 तक किसान की आमदनी दुगना हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने तो चुनाव से पहले भी वादा किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मेरी सरकार को केंद्र में लाओ, मैं लागत का 50% बढ़ाकर दूंगा, 50% डेढ़ गुना बढ़ाकर दूंगा। यहाँ दोनों हमारे किसान मंत्री बैठे हैं, वो चाहते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ शायद उनके बस में बात नहीं है कि किसान को उनका लाभकारी मूल्य मिले। वो लाभकारी मूल्य तो दें, तभी तो किसान की आमदनी दुगनी होगी, तभी तो किसान को उसका लाभ मिलेगा। वो डेढ़ गुना बात करते थे कि किसान की लागत का मूल्य दूंगा, उसे शुरुआत तो करें, तभी तो किसान को लाभ होगा। मान्यवर, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुजफ्फरनगर मेरा जनपद है, मेरे एक मंत्री मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, वो भी जनपद मुजफ्फरनगर के ही हैं। वहाँ गन्ने की फसल, मैं समझता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल मुजफ्फरनगर में होती है। क्या दुर्दशा गन्ने किसान की हो रही है? गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार से मिल मालिकों को पूरा जितना उन्हें ऋण चाहिए था बगैर ब्याज के ऋण दे दिया गया। किसानों के गन्ना पेमेंट कराने के लिए वो पेमेंट कर नहीं रहे हैं। किसान का गन्ने का मूल्य सही नहीं मिल रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, किसानों को गन्ने का रेट सही मिला और टाइम से मूल्य मिला और टाइम से पेमेंट हुआ। अगर पेमेंट टाइम से नहीं हुआ तो पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ था कि बहन कुमारी मायावती ने ब्याज के साथ किसान को उसका पेमेंट कराया था। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ये व्यवस्था नहीं करा देते? और ये एक विडंबना किसान के लिए और है। मान्यवर, जब किसान के ऊपर अगर कर्ज 1,000, 2,000, 5,000 रुपए है तो तहसीलदार जाकर उसको लोकम में बंद कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए 10-10 हजार करोड़
लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के ऊपर कर्ज है लेकिन उसको कोई टोकता भी नहीं है। इस तरह से किसान का मोह भंग खेती से हो रहा है। महोदय, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूर्णतः लागू अगर हो जाती तो किसान का भला हो सकता था, क्योंकि आयोग ने कहा था कि किसान को उसकी लागत का 50% मूल्य अधिक मिलना चाहिए। उसमें खाद पानी बीज के साथ साथ किसान की जमीन, उसका परिश्रम, मजदूरी, उसके पूरे परिवार के द्वारा किए गए कार्यों को भी जोड़ना चाहिए। दैविक आपदा भी किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि किसान की फसल को नष्ट कर देती है। किसान को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 15 रुपये का चेक, 20 रुपये का चेक, 13 रुपये तक का चेक सरकार द्वारा उसे थमा दिया जाता है, जिसे कैश कराने के लिए वे बैंक में भी नहीं जाता। यह किसान के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ जंगली जानवर भी किसान की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा। किसान की उपजाऊ जमीन को उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए सस्ते दाम पर अपने नाम करा लेते हैं लेकिन उस पर उद्योग नहीं लगाते और जमीन वर्षों तक खाली पड़ी रहती है, फिर उसकी श्रेणी चेंज करा कर उसे ऊंचे दामों पर बाजार में बेच देते हैं। मेरा सुझाव है कि उद्योग लगाने के लिए बंजर या पथरीली जमीन उद्योगपतियों को देनी चाहिए, जिससे वहां का विकास हो और प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड सके। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड नारायणन। एक मिनट बोलने दो, नया मेंबर हूं, एक मिनट बोलने दो। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो एक प्रस्ताव भेजा गया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करो। इतनी पैदावार पश्चिम उत्तर प्रदेश में होती है कि अगर अलग उत्तर प्रदेश बन गया, केंद्र सरकार मेहरबान हो गई, उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बना दिया, तो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में इतनी ज्यादा फसल पैदा नहीं होगी जितनी पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान, क्योंकि मेहनती है वो करके दिखाएगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले पास करके भेजते नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो वो विधान विधानसभा से पास करके भेजा है। चंद्रपाल जी, विधानसभा से पास करके भेजा है। कंक्लूड, कंक्लूड, विधानसभा से पास करके भेजा है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसान की दयनीय स्थिति को देखते हुए जो चुनाव में वादे किए गए थे उन सभी को पूरा करे और किसानों के साथ इंसाफ करे। धन्यवाद।